मैं सिया दिल्ली से। मेरे चैनल गार्डनिंग विद सिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गार्डनिंग की कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। अपने इस वीडियो में हम यहाँ पर एक हेयर ऑयल बनाएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त हेयर ऑयल है, जो हमारी बालों की लेंथ को बढ़ाएगा, हमारे बालों को मजबूत करेगा और काला करने में हेल्प करेगा। बहुत पावरफुल ये ऑयल मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये अपने गार्डन से फ्रेश एलोवेरा लिया है, देख सकते हैं आप इसे वॉश करके, और मैंने इसको बारीक पीसेस में कट कर लिया है। और जो इसका येलो निकलता है काटने के बाद, तो उसको मैंने अच्छे से हटा लिया है, वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद तभी मैंने इसे छोटे पीसेस में कट किया है। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए ऑनियन, और ऑनियन को भी वॉश करके मैंने कट किया है। मैंने इसका जो पील है वो नहीं उतारा है, इसका जो छिलका है मैंने छिलके को नहीं हटाया है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और मैंने इसको ऐसे ही छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद ये मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन को भी मैंने वॉश कर लिया है, उसका भी मैंने छिलका नहीं उतारा है, ये देखिए। लहसुन को भी मैंने छिलके साथ ऐसे ही लिया है। और फ्रेंड्स, ये है आंवला, ये चार आंवला लिए थे मैंने, और उसके बाद मैंने इनको बारीक पीसेस में कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप ये देखेंगे, ये लीव्स हैं, मेरे ही गार्डन से मैं इन्हें लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये गुड़हल की पत्तियां हैं, और इसमें ये करी लीव्स हैं, करी पत्ता जो होता है, मीठी नीम। और उसके बाद ये देखिए, सदाबहार के पत्ते हैं, और ये सदाबहार के पत्ते भी मैं अपने गार्डन से ही लेकर आई हूँ। और एक एक मुट्ठी के आसपास मैंने ये तीनों को ले लिया है, और तीनों को अच्छे से वॉश करके मैंने लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, एक इंग्रेडिएंट्स हम ये भी डालेंगे, ये देखिए कलौंजी, और इसको हम एक चम्मच की मात्रा में लेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए चाय पत्ती, हम इसमें चाय पत्ती भी डालेंगे। और यहाँ पर ये देखिए कॉफ़ी पाउडर, और ये कॉफ़ी पाउडर भी हम इसमें डालेंगे, मैंने इसके लिए हर्बल कॉफ़ी ली है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए ये नारियल तेल, ये पतंजलि का नारियल तेल मैंने लिया है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और एक ये चोपर है, और चोपर की हेल्प से हम जो भी ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको हम इसमें डालकर थोड़ा बारीक करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक पैन लिया है, और पैन को हम सिम फ्लेम पे रख देंगे, और उसके बाद हम इसमें नारियल तेल ऐड करेंगे। तो नारियल तेल फ्रेंड्स, मैं इतना इसमें डाल रही हूँ कि मैं ये अगर जो ऑयल बना रही हूँ, इसे मैं स्टोर करके रख लूंगी, और स्टोर करने के बाद जब भी आप हेड वॉश करेंगे, आप वन वीक में टू या थ्री टाइम जितना भी आप इसको हेड को वॉश करते हैं, और आप ये नाइट में लगाकर सो जाइएगा, ओवरनाइट इसे अपने बालों की लेंथ में और स्कैल्प पर लगाकर छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप हेड वॉश कर लीजिए। जैसे भी आप नॉर्मल शैम्पू से हेड वॉश करते हैं, आप हेड वॉश कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी ही बॉटल मैंने इसमें डाल दी है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 200 ml इसमें ऑयल था, और 200 ml मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया है। अब चलिए, जो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हम चॉपिंग कर लेते हैं, और चॉप करके हम इसमें ऐड करेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसमें एलोवेरा डालेंगे, और एलोवेरा डालने के बाद हम इसे चॉप करेंगे। बहुत इजीली ये चॉप हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एलोवेरा को मैंने चॉप कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये इसका सारा जेल इसमें आ गया है, और अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए, ये एलोवेरा हमने निकाल लिया है, और काफी सारा ये निकल आया है, और इसके गुण तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसमें अनियन और गार्लिक एक साथ डालेंगे। ये हमने अनियन और गार्लिक इसमें डाल दिए हैं। अब चलिए, हम इन्हें भी चॉप कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और इसको भी अब हम अलग कर देंगे। अब हम इसमें आंवला ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस टाइप से चॉपर नहीं है तो आप बारीक पीसेस भी कर सकते हैं इनके, चाकू की नाइफ की हेल्प से आप बारीक पीस कर लीजिए इनके। फ्रेंड्स, मैंने इनको मिक्सी में नहीं चलाया है, मिक्सी में ग्राइंड मैंने इनको नहीं किया है, बिकॉज अगर मिक्सी में करते हैं तो हर चीज से पानी रिलीज होता है, तो इसलिए मैंने इसको मिक्सी में नहीं डाला है, क्योंकि अगर मिक्सी में डालते पानी रिलीज होता तो फिर वो ऑयल में हमें प्रॉब्लम करता, तो ऑयल और पानी अगर उसका मिलकर एक साथ हम पकाते तो वो उसे सूट नहीं करता और बहुत ज्यादा उसमें आवाज भी आती है, तो इसलिए उसका वो मैंने ठीक नहीं समझा, तो मैंने इसीलिए इसे चॉप किया है। और अब लास्ट में बचती हैं लीव्स, तो हम लीव्स भी ऐड करेंगे, इनको भी चॉप करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एलोवेरा, ऑनियन, गार्लिक और ये लीव्स, करी लीव्स, गुड़हल की लीव्स और सदाबहार की लीव्स ये, और ये आंवला। मैंने सभी चीजों को चॉप कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद ये कलौंजी। तो हम इसमें जो हमारा ये ऑयल रखा हुआ है पैन में फ्लेम पे, इसमें हम ये एक चम्मच कलौंजी डालेंगे। ये देखिए, ये डालते ही अच्छे से चटकने लग गई है, डेढ़ चम्मच मैंने इसमें कलौंजी डाल दी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच चाय की पत्ती, और हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये आंवला और ये ऑनियन गार्लिक, ये इसमें हमने डाल दिया है, और ये एलोवेरा जेल, और ये देखिए ये चिपक गया है, और कोई और है नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और अब हम इसमें ये कॉफी पाउडर ऐड करेंगे, ये देखिए, और एक स्पून के आसपास मैंने इसमें कॉफी पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम ये लीव्स भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सब चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है, और अब हम एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर इसे हम पकने देंगे। जब सभी इंग्रेडिएंट्स अपना आर्क और अपनी जो भी प्रॉपर्टीज हैं तेल में रिलीज कर देंगे, उसके बाद हम इसे स्टेन करेंगे ऑयल को। अब चलिए इसे थोड़ी देर हम पकने देते हैं। ये देखिए, अभी बहुत ये जो गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है आपको, ये अभी हम जब छानेंगे तो सारा ही ऑयल इसमें से निकल जाएगा, और सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज ऐड होकर उसमें निकलेंगी। तो चलिए इसे पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें थे सभी ने अपना अर्क छोड़ना, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ना रेडी कर दिया है, और ये देखिए ये अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे, 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, और ऑलरेडी 5 से 7 मिनट ये पक चुका है। टोटल इसे हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने ऑनियन डाला है, और ऑनियन बाल गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही असरकारी होता है ये, और जो स्किन होती है, सिर की स्कैल्प होती है, उस पर प्याज का रस लगाने से भी बालों का गिरना बंद हो जाता है, और इसको जो इसमें हमने प्याज डाली है वो बालों का गिरना रोकेगा, और उसमें जो रूसी होती है हमारे सिर में उसे भी ये बंद करता है, उसे भी रोकता है। ये रूसी के लिए भी बहुत बेस्ट है ये, और बाल गिरने के लिए उसे रोकने के लिए भी बहुत बेस्ट है। और फ्रेंड्स, जो हमने इसमें गार्लिक डाला है, और गार्लिक में एलिसिन नाम का मुख्य एक कंपाउंड होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, और इसमें विटामिन और पोषक तत्व पूरी भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन B1, B6, C होने के साथ इसमें मैगजीन, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम और दूसरे जो मेन विटामिन होते हैं वो सभी इसमें होते हैं।
और फ्रेंड्स जो इसमें करी पत्ता है वो बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता, वो डैंड्रफ के भी काम आता है, जो डैंड्रफ है उसे भी वो रोकता है और बालों का गिरना झड़ना भी उससे कम होता है। और फ्रेंड्स अब ये बनकर रेडी है, हम गैस को बंद करेंगे और उसके बाद ठंडा होने का वेट करेंगे और उसके बाद इसे हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से छानेंगे और उसके बाद फिर एक कपड़े से। जो भी फ्रेंड्स इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सभी बहुत बेनिफिट है उनका, जो भी फ्रेंड्स हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका सबका अलग ही बेनिफिट है। और एलोवेरा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कितना वो गुणकारी है, कितने उसमें विटामिन्स वगैरह हैं, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये इसे हमने छान लिया है और अब हम इसे स्पून की हेल्प से इसे पुश करके जितना हम इसमें से निकाल सकते हैं उतना हम निकालेंगे। चलिए इसे निकाल लेते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स जिसे आलू मैश करते हैं उसकी हेल्प से मैं इसे निकाल रही हूँ और बहुत इजीली ये निकल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आलू मैशर की हेल्प से मैंने निकाल लिया है सारा और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और ये ऑयल रेडी है। और फ्रेंड्स जो ये बचा हुआ है जितना भी ये हमने मिश्रण डाला था, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे आप देख सकते हैं ये सब पककर यहाँ पर इसमें इकट्ठा हो गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए, मिक्सी में पीसने के बाद एज ए हेयर मास्क आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी भी इसमें बहुत इंग्रेडिएंट जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बहुत अच्छे विटामिन्स और काफ़ी कुछ उसमें की प्रॉपर्टीज सभी उसमें बची हुई हैं, तो आप इसे एज ए हेयर मास्क यूज कर सकते हैं और हेयर मास्क लगाने के एक घंटे बाद आप अपने बाल धो लीजिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने बहुत पावरफुल बहुत अच्छा मैंने ये हेयर ऑयल बनाया है और इसके बहुत बेनिफिट हैं, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, बाल अगर टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, रूसी डैंड्रफ जितनी भी है वो सब खत्म हो जाएगी और आपके बाल शाइनी बनेंगे और बहुत अच्छे आपके बालों की ग्रोथ होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।